इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है वो हमसे या तो कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं, या हमने किसी बैंक से लोन लिया होता है, बैंक से वो डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, या हो सकता है कि भाई परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो और वो व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट्स कहीं पे रखे हों संभाल के, वो अब हमें मिल नहीं रहे हैं उनकी मृत्यु के बाद, या परिवार का कोई अन्य सदस्य, भाई या कोई भी और व्यक्ति जानबूझ के वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा हो, या पति पत्नी में कई बार आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट नहीं देता है वो व्यक्ति, पति या पत्नी। तो इस प्रकार के केसेस में क्या हम कर सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बनी रहे, ये एक कम प्रॉपर्टी या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के रूप में ना देखी जाए और भविष्य में जब हम इसे बेचने जाएं हमें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और बायर, जो प्रोस्पेक्टिव बायर है, खरीदने वाला है, वो हमारे पास जो कागज़ हम बनाए उनसे संतुष्ट हो जाए। देखिए, इस टॉपिक के दो अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आपसे डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं कहीं पे, आपको नहीं मिल रहे हैं। दूसरा पहलू ये है कि आपके किसी रिश्तेदार ने, पति ने, पत्नी ने, किसी ने भी वो डॉक्यूमेंट ले लिए थे, आपने उसको दिए थे, आपको पता है उसके पास है, वो दे नहीं रहा है, ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू बैंक का है कि आपने बैंक से लोन लेते समय अपने प्रॉपर्टी कागजात वहां दिए थे और अब बैंक ने गुम कर दिया है, बैंक कह रहा है कि गुम हो गए हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो तीनों को अलग अलग समझना पड़ेगा और कुछ स्टेप्स कॉमन है तीनों के अंदर, वो स्टेप्स भी आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार प्रॉपर्टी पेपर लेके बैठा हुआ, आपको पता है कि प्रॉपर्टी पेपर इसके पास है, आपने दिए थे, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो। भारतीय दंड संहिता IPC की सेक्शन 406 में ये अमानत में खयानत है, किसी का सामान ले लेना और फिर वापस ना करना, तो ये एक ऑफेंस है, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो उस व्यक्ति के खिलाफ। और अन्य अगर आपके पास और कोई सबूत है तो उसके आधार पे सिविल कोर्ट में भी मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर दायर कर सकते हैं। परंतु आम तौर पे इस तरह के जो झगड़े होते हैं रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, वो आपसी बातचीत से ही सुलझते हैं, इसमें पुलिस का रोल बहुत लिमिटेड होता है। और सिविल मुकदमा आप करेंगे तो एक लंबी प्रक्रिया होती है वो, और उसमें काफ़ी समय लगेगा आपको प्रॉपर्टी पेपर कोर्ट के माध्यम से वापस लेने में। लेकिन अगर आपसी समझौते से बात नहीं बन रही है तो इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। यदि आपने बैंक को प्रॉपर्टी पेपर दिए थे, बैंक कह रहा है गुम हो गए, डैमेज हो गए, जल गए, अब क्या करें? इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि यदि बैंक आपके डॉक्यूमेंट गुम कर देता है या डैमेज कर देता है तो RBI का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 13 सितंबर 2023 को, उसके हिसाब से बैंक को प्रतिदिन के डिले के हिसाब से जितने दिन भी वो देरी करेगा 5,000 रुपये प्रतिदिन का आपको हर्जाना देना पड़ेगा बैंक को, और जितना भी खर्चा आएगा डुप्लीकेट पेपर बनवाने में, सर्टिफाइड कॉपीज बनवाने में, और जितने भी और अन्य खर्चे आएंगे प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने में डॉक्यूमेंटेशन के, वो सब बैंक को वहन करने पड़ेंगे। और इसके अलावा भी बैंक के ऊपर आप कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर सकते हो या किसी सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो कि बैंक ने ये जो लापरवाही बरती है उसकी वजह से मेरे को ये फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, इसका कंपनसेशन मुझे दिलवाया जाए। अब बात करता हूँ तीसरे पहलू की कि आपने ही प्रॉपर्टी पेपर कहीं रखे थे, आपको नहीं मिल रहे, या किसी बैग में थे, बैग आपसे गिर गया, जेन्युइनली पेपर खो गए, चलो या फट गए या जल गए, व्हाटएवर। अब इन तीनों परिस्थितियों में जो एक सामान्य राय दी जाती है, जो बैंकिंग प्रोसेस में भी देते हैं और हमसे भी गुम हो जाए तो भी, वो ये है कि भाई एक तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट करा दो कि भाई ये ऐसे ऐसे पेपर गुम हो गए हैं, और बाद में पुलिस से एक्नॉलेजमेंट ले लो कि हाँ मैंने रिपोर्ट कराई थी, और बाद में पुलिस एक नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट भी जारी कर देती है कि हमने इस प्रॉपर्टी को, डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने की कोशिश की पर हमें ट्रेस नहीं हो पाई है डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा दूसरी राय ये दी जाती है कि न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस पब्लिश कर दिया जाए कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं। बैंक भी करता है, अगर बैंक से गुम हो गए हैं आप भी कर सकते हो, अगर आपसे गुम हो गए हैं कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक था, ये पेपर मेरे पास थे, ये प्रॉपर्टी थी, किसी भाई को मिले हों तो वापस कर दें, और कोई भी व्यक्ति इस प्रॉपर्टी में उन प्रॉपर्टी के बेसिस, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपस में डील ना करे, कोई ट्रांजेक्शन ना करे, खरीद फरोख्त की अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी की गई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो जो भी स्थिति है उसके हिसाब से न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कराने का दूसरा उपाय बताया जाता है। पहला उपाय पुलिस कंप्लेंट करना बताया जाता है।
अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने ये दोनों उपाय कर भी लिए तो क्या आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित हो जाएगी। एक तीसरा उपाय भी बताते हैं और वो ये है कि सर्टिफाइड कॉपी आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस से जहाँ पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई थी वहाँ से निकलवा लें। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये तीनों काम भी कर लिया, आपने पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी कर लिया, या बैंक से कंपनसेशन भी आपने ले लिया, या सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आपने टाइटल सर्च रिपोर्ट निकलवा के फोटोकॉपी सर्टिफाइड कॉपी डुप्लीकेट कॉपी निकाल भी ली प्रॉपर्टी की, तो ये सब करने के बावजूद भी क्या जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे तो बायर इन चीजों से सेटिस्फाई हो जाएगा? तो मुझे लगता है वो इन चीजों से सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे काम एक फर्जीवाड़े और एक फ्रॉड के तहत भी किए जा सकते हैं। आप चाहें तो, यानी सेलर चाहे तो, वो फर्जी पुलिस में कंप्लेंट कर सकता है कि मेरे डॉक्यूमेंट गुम हो गए, जबकि गुम ना हो, ऐसा हो सकता है। वो फर्जी न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी कर सकता है, सर्टिफाइड कॉपी तो उसी की प्रॉपर्टी है, वो जब मर्जी जाके निकाल ले, उसके लिए कुछ भी कह के वो सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल लेगा। तो जो बैंक ने डॉक्यूमेंट गुम कर दिए वो ठीक है कि बैंक लिख के दे रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट गुम कर दिए, पर उससे भी क्या बायर की तसल्ली हो जाएगी? तो मैं दो स्टेप और बताना चाहता हूँ, दो सुझाव और देना चाहता हूँ, जिससे शायद आपका केस और स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों, इन सब कामों के अलावा, यानी पुलिस में कंप्लेंट करने के अलावा कि डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस जाहिर सूचना देने के अलावा कि ये डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, और रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के अलावा, आपको करना ये चाहिए कि आप जहाँ पे प्रॉपर्टी स्थित है वहाँ की कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, दीवानी कोर्ट में एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना चाहिए, एक डिक्लेरेशन का मुकदमा, जो कि सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत फाइल किया जाता है। इस मुकदमे में आप पार्टी अज्ञात को बना सकते हो, आपका नाम वर्सेस अननोन, और उसमें आप कोर्ट को ये प्रार्थना कर सकते हो, पूरे अपने केस में लिख सकते हो कि भाई ये प्रॉपर्टी थी, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक था, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी मेरे फेवर में रजिस्टर्ड थी, फोटोकॉपी है तो फोटोकॉपी लगा दीजिए, और मेंशन कर दीजिए कि भाई मेरे से जेन्युइनली ये प्रॉपर्टी पेपर ऐसे ऐसे गुम हो गए हैं, या बैंक से गुम हो गए हैं तो लिखिए कि बैंक ने गुम कर दिए हैं, उसका जो प्रूफ है बैंक से कोई एक्नॉलेजमेंट है तो वो लगा दीजिए, बैंक कोई प्रूफ नहीं दे रहा है तो बैंक को पार्टी बना लीजिए साथ में, और ये प्रार्थना कीजिए कोर्ट से कि भाई ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि मैंने ये जो सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन की है रजिस्ट्रार ऑफिस से, इसी को ही भविष्य में फॉर ऑल पर्पजेज ओरिजिनल की तरह ट्रीट कर लिया जाए। और कोर्ट आपकी इस प्लेंट पे, इस मुकदमे पे पब्लिक नोटिस फिर से अखबारों में छाप सकती है कि भाई किसी ऐसे ऐसे कोई मुकदमा आया है, किसी को कोई आपत्ति है तो बताइए, कोई आपत्ति दर्ज नहीं करता है तो एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है कोर्ट इस मैटर में, और आपके सारे एविडेंसेस सब कुछ देखने के बाद, सेटिस्फाई हो जाने के बाद कोर्ट चाहे तो, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट ये डिग्री ऑफ डिक्लेरेशन आपके फेवर में पास कर सकती है कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी की जो ये सर्टिफाइड कॉपी आपने निकाली है, इस सर्टिफाइड कॉपी को ही ओरिजिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और आप एक और अन्य प्रेयर कोर्ट से कर सकते हैं कि ये जो डिक्री कोर्ट पास कर रही है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस को ये डायरेक्शन दे दें, ये नोटिस इशू कर दें कि इस डिक्री को भी रजिस्टर्ड कर दिया जाए। जिस तरह से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होती है, इस तरह कोर्ट का आदेश, कोर्ट की डिक्री भी रजिस्टर्ड हो जाती है। अब आपका काम थोड़ा पक्का हो गया। अब अगर आप प्रॉपर्टी बेचोगे और आप बायर को FIR की कॉपी दोगे, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कॉपी दोगे, बैंक ने गुम किए तो बैंक का लेटर दोगे, और साथ में कोर्ट के डिक्री की रजिस्टर्ड कॉपी उसे दोगे कि ये देखिए कोर्ट की डिक्री है, कोई फर्जी डिक्री नहीं है, डिक्री है कोर्ट की, और उस कोर्ट ने ये माना है, ऑनरेबल कोर्ट ने, कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ इसे ही ऑल पर्पजेज के लिए ओरिजिनल माना जाएगा, तो उस बायर की सेटिस्फेक्शन होगी। और अगर आपको लगता है कि भाई सूट फॉर डिक्लेरेशन मुकदमेबाजी में बहुत समय खर्च होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास तो तुरंत ग्राहक है, अभी बेचना है, तो आप एक काम करने का और प्रयास कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत आपका खर्चा भी हो सकता है। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी आपके नाम पर थी, आपने सारे डॉक्यूमेंट गुम कर दिए, ओरिजिनल टाइटल डीड्स गुम कर दी, सेल डीड गुम कर दी, तो आप ऐसा कर सकते हो चाहो तो कि अपनी पत्नी या अपने बच्चे के नाम पर, जो कि मेजर होना चाहिए 18 साल से ऊपर, उसके नाम पे गिफ्ट डीड कर दो या सेल डीड कर दो,
अब गिफ्ट डीड करोगे या सेल डीड करोगे तो जो भी एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटी है वो खर्चा आपके ऊपर आएगा। कुछ राज्यों में जब आप ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करते हैं तो खर्चा बहुत ही कम आता है, तो स्टैंप ड्यूटी का एक्सपेंस इसमें जरूर होगा, पर आपके पास एक फिर से रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। जब वो गिफ्ट डीड आप बनाएंगे तो उसमें आप नरेशन में लिख सकते हो उस गिफ्ट डीड की कि ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर गुम हो गए, ऐसा आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो। तो कम से कम कुछ डॉक्यूमेंट ना होने से अच्छा रहेगा कि आपके पास कम से कम एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो रहे जिसके बेसिस पे फिर आप फर्दर ट्रांजेक्शन कर पाए। हाँ, जिसको आप गिफ्ट करेंगे पत्नी को करेंगे तो फिर पत्नी उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट मालिक हो जाएगी और जो भी इनकम टैक्स प्रोविजंस हैं वो भी दोनों पक्षों पे लागू होंगे ये ट्रांजेक्शन करने से।